my channel. I'm Shanvi Shree. So, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ अपनी big paintings on canvas. ये वाली पेंटिंग आपने देखी है, पर ये सरप्राइज होगा आपके लिए क्योंकि इसको मैंने पेंट करते हुए रिकॉर्ड नहीं किया. आई नो ये कैसे बने हैं आप मेरे को कमेंट बताना. गूगल से ये गूगल से फोटो लिया था मैंने. सो ये दोनों पेंटिंग हमारी कंप्लीट है. ठीक है, आज मैं बनाने वाली हूँ एक और पेंटिंग ऑन बिग कैनवस. सो अब मैं दिखाऊंगी, उसमें टेप लगाने में बहुत दिक्कत हुआ है. आप देख सकते हो कि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. साथ साथ यहाँ पे मिरर्स वर्क किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले से मैंने पूरा इस पर आउटलाइन पेंट बहुत मेहनत है. एक बार आप ध्यान से देख लो. सो अभी मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ, एंड इनको आप देख लो. इनमें मेरे को बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी नहीं मिलाया था, स्प्रे करना रहता है. मैंने स्प्रे नहीं किया था, अभी इसमें पॉलिश लगाना बाकी है. सो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए. अब मैं इन्हें रख देती हूँ पीछे. ओ बाय द वे, मैं दिखाने में इतनी बिजी हो गई कि मैं आपको अपनी जो अभी मतलब वीडियो में आने वाली है वो वाली पेंटिंग दिखाना ही भूल गई मैं, जिसको अभी मैं पेंट करने वाली हूँ. सो दिस इज माई पेंटिंग. आई थिंक ये आपको लग रहा होगा कि क्या पेड़ बना दिया, नीचे से लकड़ी का बॉर्डर बना दिया. अभी पेंट करने में बहुत सारी डिटेलिंग बाकी है, देखो पूरी वीडियो, बहुत अमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो. चिपक गया मम्मा, चिपक गया, यही होता है मेरे साथ हमेशा. बैकग्राउंड के लिए ये कुछ कलर, तीन कलर्स लिए हैं मैंने, पिंक कलर और ये ब्लू कलर और एक ये वाइट कलर. हाथ में लग गया. सो अब ही मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ. लेट्स गो. पानी तो वही रह गया मेरा. सो अब ये थोड़ा सा ब्रश को डिप करूँगी. मैंने कलर्स पहले से बना के रख लिए थे और उस पर थोड़ा स्प्रे करती थी, कर रही थी नहीं हूँ, किया था मैंने. यार इतना ज़्यादा वैसा वाला पैचेट है. सो गाइज, आपको पता ही है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ कैनवस पे और ये जो पीछे जो पेंटिंग है उस पर भी. एक्रेलिक कलर, इसका जो है ना बाहर का कवर मैंने तोड़ दिया. सो चलो अभी पेंटिंग में ध्यान देते हैं. यार डार्क कलर बन गया आई थॉट. इसको थोड़ा सा पानी में डिप करते हैं. सो गाइस, मेरा अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. अब मैं करूँगी इसके बीच में वाइट, इसको मिक्स कर दूँगी वाइट से हल्का फुल्का, और नीचे लाइट ब्लू कर दूँगी और नीचे हरियाली. मैं बता क्यों थी, सरप्राइज था. छोड़ो, मैं मुँह से निकल जाता है. चलो मैं पेट में बाद में सो गाइस, अभी जो है मैंने पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया. यहाँ पे तो ग्रास होगा, मैं तो समझोगे कि कंप्लीट ही नहीं मैं. सो अभी ट्रीज ये सब बाद में कर लेंगे हम, पहले नीचे का ग्रास कर लेते हैं. उसके लिए मैं लूँगी ये और एक ये, इन दोनों को यहाँ पे हल्का हल्का मिक्स कर दूँगी और कुछ नहीं. एक पैलेट का यूज़ नहीं करूँगी मैं. सो गाइस, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं अपनी दीदी की शादी में गई थी, एंड प्यारी लग रही है वो, मतलब इतनी प्यारी है ना, मतलब उनका जो ब्राइड लुक था बहुत सुंदर लग रहा था. मैं वीडियो डालूंगी, आप देखना. और पेंटिंग में ध्यान देते हैं. सो गाइस, मैं वैसा ट्री बना रही हूँ जो आप पहाड़ों पे और क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री जैसे बनाते हैं वो वाला. सो गाइज, मेरी मम्मी को जो है ना यहाँ पे मैं झोपड़ा बना रही हूँ. वैसे मेरी मम्मी को ये झोपड़ा वाला सीन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना रही हूँ. रिक्वेस्ट की थी वो मेरे से, बनाना. सो गाइज, आपको क्या पता है, मैं जो ये पेंटिंग बना रही हूँ उसमें जो है ना, मैं पेंट करते हुए मेरे को ऐसा फील आ रहा है ना कि मैं इस जगह पे हूँ, काश मेरा घर यहाँ पे होता.
बहुत प्यारा लगता है यार। मम्मी सो गाइस, मेरी पेंटिंग जो है लगभग कंप्लीट हो गई। लगभग क्या, कंप्लीट ही हो गई है। ये रही मेरी फुल पेंटिंग। अभी टेप निकालना बाकी है। चलो टेप निकाल के देखते हैं कैसा इसका लुक आएगा। अरे यार, ये टेप निकालना मेरे लिए तो, ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव कि मैंने बनाया इतना सुंदर। यार मैं टेप लगा रही हूँ तो इतना सुंदर बन गया। बहुत सुंदर लग रहा है यार ये पेंटिंग मेरा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट बता देना कैसा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है गाइस? आप मेरे को कमेंट बताना कि कैसा लग रहा है ये। एंड इन दोनों को के बीच में रख दिया मैंने। यार कितना क्यूट लग रहा है, भर भर के लाइक कमेंट्स कर दो और कमेंट बता देना कैसा बना है। मेरे को तो ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। आई होप इस पे और भी आए यार। सो आज के लिए, आज की वीडियो यही खत्म होती है।